बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी हम जाएंगे ज़िला सोबतपुर, खालिक हमारे साथ है, हम जाएंगे चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे। हम इस रास्ते से होकर यहां हम आए हैं, इस रास्ते से अभी जाएंगे हम इस रास्ते पर। ये रास्ता आपको दिखा रहे हैं, इस रास्ते पर जाएंगे, ये रास्ता सीधा जाएगा आमदान पुल। वो दरख्त दिख रहे हैं आपको, वो जो है आमदान पुल के दरख्त हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को नज़र आता होगा। तो अभी चलिए चलते हैं, मिलेंगे रास्ते पर। हेलो, तो दोस्तों अभी फाइनली हम जा रहे हैं आमदान पुल। इधर होके हम जाएंगे सीधा सोबतपुर, वहाँ पे जाएंगे हम, एंजॉय करेंगे हम। तो अभी हम फाइनली आमदान पुल पहुँचने वाले हैं। ये देखें आमदान पुल के लिए कुछ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हम एंटर होंगे। आमदान पुल शहर है, इधर से होता हुआ हम जाएँगे सोबतपुर। ये देखें हम पहुंचे हैं आमदान पुल। ये हमारे दोस्तों के दुकान है, ये अकबर साहब का दुकान है, और ये आपको दिखा रहे हैं सुबह खान का दुकान है। एक दुकान और है, वो तो अभी बंद पड़ा है लेकिन खोलेगा, वो भी हमारे मोहल्ले का जो है ना लड़के का दुकान है, माशाल्लाह परचून का दुकान है। तो ये आमदान पुल का शहर है, हम आमदान पुल आए हैं। तो देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छे लुक हैं, अच्छे जो है दुकानें हैं यहाँ, परचून के हर चीज़ मिलता है, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आगे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये देखें माशाल्लाह शाह का किनारा है, ये रास्ते पर हम जा रहे हैं। तो खालिक भाई ड्राइविंग कर रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छे लगे होंगे, यहाँ पे लग रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा गाड़ी चलाना मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा था। आगे जाएंगे और पक्की सड़क जो है रोड हमें मिलेगा, यहाँ से थोड़ा दूरी भी है अभी। हाँ, खालिक भाई बता रहा था कि यहाँ कुछ मिलों का फासला, जो अभी कुछ मिनटों का फासला है, हम जाएंगे रोड में आपको नज़ारा दिखाएंगे कि रोड अच्छे इलाके के कुछ अच्छे रोड हैं, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से रोड नहीं बन सका। खैर कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं सोबी जिला सोबतपुर। इस रास्ते से होता हुआ हम जाएंगे सीधा सोबतपुर, वहाँ का लुकिंग आपको दिखाएंगे कैसा सीन है, जुड़े रहे वीडियो के साथ। तो फाइनली अभी हम पहुँचे हैं रोड, यहाँ रोड ये इस रास्ता से होता हुआ जाएगा सोबतपुर, लेकिन यहाँ आ रहा है झंडा तला का रास्ता है, झंडा तला से आ रहा है यहाँ होता हुआ। अभी देखें हम पीछे रास्ते से आए हैं माशाल्लाह, इस रास्ते से होता हुआ अभी हम जाएंगे सीधा जो है सोबतपुर। हाँ भाई, खालिक भाई बताएं कि अभी इस रास्ते से हम आए हैं, इस रास्ते से होता हुआ अभी जाएंगे सोबतपुर, आपको क्या लगा है कि मिट्टी थोड़ा था, मिट्टी ज़्यादा था? वो सही तो यार बहुत मिट्टी था, मगर अभी तो अच्छी गाड़ी चलाने में बहुत आसानी हो रहा है क्योंकि गाड़ी चलाने वक्त में कोई मुश्किल नहीं है। अभी ये आपको दिखा रहे हैं सोबतपुर का शहर, अभी नज़दीक है, यहाँ हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये सोबतपुर का शहर है, हम इस रास्ते से होता हुआ जाएंगे सोबतपुर, इस रास्ते से होता हुआ डायरेक्ट जाएंगे सोबतपुर, वहाँ का आपको लोकेशन दिखाएंगे और सीन दिखाएंगे कि सोबतपुर शहर माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़िला है और एक अच्छा शहर है, वहाँ हर चीज़ मिलता है ख़रीदने के लिए, चाहे आप जिस चीज़ का नाम लें वो सोबतपुर में मिलता है, चाहे सब्ज़ी हो वगैरह हो, कुछ खाने पीने की अशिया हो, सब कुछ वहाँ मिलता है। तो फाइनली हम ऐसा समझें कि हम सोबतपुर पहुँचने ही वाले हैं, कुछ मिनटों की फासला है। तो रास्ते में रास्ता ख़राब होने की वजह से कुछ हमने टाइम लिया, तो हम थक भी गए हैं थोड़ा क्योंकि रास्ता ख़राब था। तो कोई बात नहीं, वीडियो दिखाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। तो अभी हम जाएंगे सीधा शहर, वहाँ का आपको दिखाएंगे। क्या फील हो रहा है खालिक भाई? अच्छा फील हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है? माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्योंकि अभी हम अपने ज़िले में आए हैं तो यकीनन खुश तो होंगे, यकीनन खुश होंगे, यहाँ पर तमाम सहूलियात हैं।
तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट यहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ हमारे ज़िला सोबतपुर का नादरा ऑफिस है। यहाँ हम अपने CNIC बनाते हैं। ये सिम शाख है, नाला है जो निकाल का पानी है, ये सीधा जाएगा आगे। तो ये निकाल का पानी यहाँ पर आता है, सिम शाख है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये सोबतपुर का शहर है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो अभी स्टार्ट है, शहर तो आगे है लेकिन अभी यहाँ तो स्टार्ट हुआ है। यहाँ घर हैं, ये सोबतपुर का शहर है। हम अभी इंटर हो चुके हैं फाइनली। खालिक भाई क्या फील हो रहा है? हम फाइनली ज़िला सोबतपुर में इंटर हो चुके हैं जी हाँ। ये दुकानें हैं, यहाँ हर तरह की चीज़ें मिलती है। यहाँ बैंक है, LIC बैंक, और यहाँ पंप है, पेट्रोल भी दस्तियाब है ज़िला सोबतपुर में। माशाल्लाह ज़बरदस्त, हम तो खूब इंजॉय कर रहे हैं। अभी पता नहीं व्यूअर्स खुश हो रहे हैं, पता नहीं व्यूअर इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तो फुल इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम अभी अपने इलाके के ज़िला सोबतपुर आए हैं। माशाल्लाह यहाँ फ्रूट के हर चीज़ मिल रहा है। माशाल्लाह यहाँ हर चीज़ दस्तियाब है। कैसे खालिक भाई? जी हाँ भाई जी, आज क्या खाने का मन कर रहा है आपका? अभी आज आए हैं ज़िला सोबतपुर, आज तो बिरयानी खाएंगे, ऐसे ना? ऐसे बिरयानी, आज बिरयानी खाएंगे। इधर ही हम रुके हैं रास्ते पर, क्योंकि सोबतपुर का मैन शाहरा पर हम रुके हैं क्योंकि यहाँ खालिक भाई का दोस्त है, वो यहाँ आए। यहाँ सब्ज़ी भी मिलता है, सब्ज़ी भी दस्तयाब है, हर चीज़ दस्तयाब है। और ये सोबतपुर का बीच का जो रास्ता है, यहाँ दुकानें हैं, हर चीज़ वगैरह यहाँ पर है, मौजूद हैं। वो अभी हम रुके हैं, ये हमारा मोटरसाइकिल है। बाहर मैं बैठ के थक चुका था, तो खड़ा होके थक चुका था कि मैं अभी यहाँ आराम करूँगा कुछ देर के लिए, खालिक का इंतज़ार करेंगे, वो आने वाले हैं अभी। तो फाइनली खालिक भाई वापस आए हैं, दोस्त के साथ मिलकर वापस आए हैं। तो क्या हाल है भाई? अच्छा, अभी यहाँ हम ठहरे हैं, बिरयानी खाएँगे। ये कराची बिरयानी है, यहाँ बिरयानी खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। साहब हमारे लिए बिरयानी बना रहा है, देख रहे हैं सामने से, यहाँ पे अच्छी बिरयानी मिलती है। मैं तो पानी पी रहा हूँ। इम्तियाज़ भाई पानी पी रहा है, मैं तो वहाँ पे दोस्त के घर में पानी पिया ऑलरेडी। तो बिरयानी देखते हैं कैसा बिरयानी है, चेक करेंगे, आपको बताएंगे उसका जायका। तो भाई बिरयानी बना रहा है जी, हमारा बिरयानी ऑलरेडी पहुंच गया। इम्तियाज़ भाई चेकअप करेगा कैसा इसका स्वाद है। मस्त यार, ज़बरदस्त यार। तो अभी हम खाएंगे बिरयानी। तो अभी खालिक भाई जो है टेस्ट कर रहा है बिरयानी को, बिरयानी कैसे हैं? लाजवाब है भाई। कैसा है भाई? अच्छा है भाई, ज़बरदस्त। आपने सही टेस्ट किया इसका। तो आगे का व्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे, अभी हम खाएंगे बिरयानी। हम रुके थे कराची बिरयानी के पास, हमने जो बिरयानी खाया है, अभी हम जाएंगे घर। इम्तियाज़ भाई अभी गाड़ी को ड्राइविंग कर रहा है। तो इम्तियाज़ भाई कैसा फील हो रहा है आपको? माशाल्लाह ज़बरदस्त, और यहाँ अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इस रास्ता जो है थोड़ा सही है। उस रास्ते पे हम आए थे, मिट्टी ज़्यादा था, अभी इस रास्ते में मिट्टी कम है लेकिन रास्ता छोटा है। रास्ता छोटा है, ये बात भी सही है। हाँ यार, रास्ता छोटा है। तो भाई खैर से हम लोग अभी हमदान पुल पहुँचने वाले हैं। तो देखिए हमदान पुल का ऐसा ही कुछ सीन है। शहर से हम लोग अभी हमदान पुल पहुंच गए हैं। तो फाइनली हम पहुंचे हैं अभी अपने दोस्त के दुकान हमदान पुल, हम जाएंगे डेरे पे। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे और इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआओं में रखना। अल्लाह हाफिज़।